दोस्तों हवाई जहाज में मौजूद दोनों पायलटों को हमेशा अलग अलग खाना दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की तबीयत एक साथ खराब ना हो या पेट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि दोनों एक साथ बीमार ना पड़ सके, ऐसा इसलिए। और इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। दोस्तों सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक का ही कारोबार नहीं है बल्कि वह कंस्ट्रक्शन का ही कारोबार भी करती है। दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जो कि कई सारी कंपनियां बुर्ज खलीफा के कारोबार को संभालती है, इसमें सबसे अहम सैमसंग कंपनी है। और इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ वीडियो गेम्स खेलने वाले सर्जन, लगभग जो वीडियो गेम खेलते नहीं है वो सर्जन से बेहतर काम कर सकते हैं जो वीडियो गेम खेलते हैं। आप इस जानकारी को आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं, उसको सर्च भी कर सकते हैं। और इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। दोस्तों चीन ने पांडा जैसे दिखने वाला एक विशाल सोलर प्लांट बनवाया है जो करीबन 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है और करीबन 250 एकड़ में फैला हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसको सोलर प्लांट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, ये सोलर प्लांट के भाई ऊपर से देखने पर ये एक पांडा जैसे आकार में दिखता है। और इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। दोस्तों भूवैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 1300 सन से लेकर 1700 सन तक वह बर्फ में ढका रहा। करीबन 400 सालों तक बर्फ में केदारनाथ मंदिर ढका रहा, पर केदारनाथ मंदिर को तनिक भी हानि नहीं पहुंची। और क्या आपने केदारनाथ देखा है? और इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। दोस्तों आज हम हथियारों की बात करेंगे और हथियारों में सबसे घातक हथियार माना जाता है दंड पट्टा हथियार को। और माना जाता है कि अब मराठाओं का ये हथियार है दंड पट्टा अधिकार, और शिवाजी महाराज इसको चलाने में बहुत ज्यादा माहिर थे दंड पट्टे हथियार को। और ये हथियार करीबन कई सैनिकों के धड़ एक साथ अलग कर सकता है, इतना घातक ये हथियार है। और इसी जानकारी के लिए तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। दोस्तों क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने 14 वर्ष की उम्र में 121 युद्ध जीत लिए थे? आपको इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और प्लीज सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके जाना, धन्यवाद। दोस्तों शंघाई टावर में लगी लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्टों के रूप में जाना जाता है, और इसकी करीबन जो स्पीड है 73.8 किलोमीटर प्रति आवर है। और इसी स्पीड के कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।